हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की 21st वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में हमने बात करी थी जावास्क्रिप्ट एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, जिसमें हमने देखा था किस तरह से हम किसी भी क्लास के अंदर मेथड में हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हाइड कर सकते हैं और जो नेसेसरी डिटेल्स है सिर्फ वही यूजर को दिखानी है। और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आज की वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फोर्थ पिलर है, जिसका यूज करके आप किसी भी कोड की रीयूजेबिलिटी और एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर सकते हो। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वीडियो के एंड तक आप बने रहे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज की हमारी वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैं हमारे ब्राउजर में आ गया और सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट दैट इज हैविंग द एबिलिटी टू क्रिएट अ प्रॉपर्टी मेथड एंड ऑब्जेक्ट हैविंग मोर देन वन इंस्टेंस। तो पॉलीमॉर्फिज्म में तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, जिससे हम प्रॉपर्टी मेथड को एक या एक से ज्यादा इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड है, उसमें दो वर्ड से मिलकर बना पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड। सबसे पहला होता है पॉली, जिसका होता है मैनी मैनी, और दूसरा हमारे पास होता है मॉर्फिज्म, जिसका मतलब होता है फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। इस वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म का मेथड ओवरराइडिंग की बात करेंगे, किस तरह से हम एक ही मेथड के दो इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। और चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हमारे VS कोड में चलते हैं। और यहाँ पे हमारे VS कोड में हमारे VS कोड में आ गया हूँ और मैं यहाँ पे लाइव सर्वर यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने लास्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की HTML फाइल पहले से क्रिएट कर रखी थी। लास्ट की कुछ वीडियो में मैं इसी HTML फाइल पर काम कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है मुझे, सिंपली यहाँ पे लास्ट वीडियो के जो एब्स्ट्रैक्शन डॉट js है उसको सिंपली कमेंट आउट करके और स्क्रिप्ट डॉट js से मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा पॉलीमॉर्फिज्म और इसको सेव करके सिंपली यहाँ पे न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं ब्राउजर के अंदर हमारा कंसोल वाला और टैब ओपन कर लेता हूँ और कंसोल वाले टैब में मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग जावास्क्रिप्ट पॉलीमॉर्फिज्म। मैं लिख दिया जावास्क्रिप्ट पॉलीमॉर्फिज्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे सिंपली लोड हो गई और यहाँ पे कंसोल में हमारा मैसेज भी यहाँ प्रिंट हो गया है। और अब मैं सबसे आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा हूँ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है पॉली, जिसका मतलब होता है मैनी, और दूसरा हमारे पास मॉर्फिज्म तो जिसका मतलब होता है फॉर्म। तो मैनी फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म हैव एबिलिटी टू क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ मेथड एंड वेरिएबल। तो पॉलीमॉर्फिज्म से हम किसी एक ही मेथड के काफी सारे इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा, उस क्लास का नाम रखूंगा एनिमल और उस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करूंगा और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिखूंगा दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। और इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा पास कराऊंगा नेम। उसके बाद कंस्ट्रक्टर में एक मेथड को क्रिएट करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा स्पीक। स्पीक एक मेथड का नाम रखता हूँ मैं स्पीक। और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ सिंपली मैं, और उस फंक्शन के अंदर मैं रिटर्न कराऊंगा। रिटर्न करेगा फंक्शन हमारा एक मैसेज। तो मैसेज वो क्या होगा, दिस डॉट नेम प्लस कॉमन प्लीज स्पेसिफाई एनिमल। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड को क्रिएट करा है जिसमें मैंने करा है एक एनिमल क्रिएट करी क्लास, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है जिससे दिस डॉट नेम वाला फंक्शन से हमारा जो नेम है वो सेट हो जाएगा एनिमल का। और उसके बाद क्या, एक स्पीक नाम से एक मेथड क्रिएट करा है जिसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग जिसका जो रिटर्न होगी दिस डॉट नेम प्लीज स्पेसिफाई एनिमल। और इसको इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ लेट डॉग डॉग इज इक्वल्स टू न्यू एनिमल और यहाँ पे डॉग का नाम मैं पास करा दूंगा टफी। यहाँ पे डॉग का नाम पास करा दिया। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके आपको डॉग में प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं डॉग है, उसका नाम है टफी और उसके अंदर एक मेथड है स्पीक नाम से। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉग डॉट स्पीक और इसको कॉल वो कराता हूँ तो आप देख सकते हैं टफी प्लीज स्पेसिफाई एनिमल। अब यहाँ पे हमारे जो एनिमल है वो एक कॉमन एनिमल की क्लास है तो इसलिए हमारा आप देख सकते हैं स्पीक वाला मेथड यहाँ पे कॉल करा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा रिटर्न में आ रहा है दिस डॉट नेम ये वाला जो मेथड है वो रन कर रहा है। तो अब मैं कह रहा हूँ, अब मैं एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ और डॉग नाम से एक डॉग नाम की सब डॉगों की एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे उस क्लास को एक्सटेंड कर दूंगा
एनिमल के साथ इनहेरिट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं एक इस क्लास के अंदर एक नया मेथड बनाऊंगा सेम नाम से, स्पीक नाम से, और इस बार जो मैं ऊपर रिटर्न कर रहा था उसको यहाँ पे थोड़ा चेंज करके फिर यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा था दिस डॉट नेम प्लीज स्पेसिफाई, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पीक करूंगा, तो वो करेगा वुफ वुफ, डॉकी की आवाज़ होती है वुफ वुफ। यहाँ पे अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई डॉग है ऑलरेडी डिक्लेयर, तो यहाँ पे डॉग का यहाँ पे नाम चेंज करना है, इसको यहाँ पे डी कर देता हूँ, इसी एरर हमारी हट जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मैंने जो यहाँ पे एनिमल कर रहा हूँ इसकी जगह मैं कर देता हूँ डॉग, और अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डॉग है, डॉग का नाम हो गया टफी। और अगर मैं अब यहाँ पे डी डॉट स्पीक को यहाँ पे कॉल करता हूँ फंक्शन को, तो आप देख सकते हैं अब जो हमारा पहले प्रिंट हो रहा था टफी प्लीज स्पेसिफाई एनिमल, अब उसकी जगह यहाँ पे हो रहा है वुफ वुफ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेथड है वो यहाँ पे ओवरराइड हो गया है, यानी सेम मेथड अब काम नहीं कर रहा, पहले यहाँ पे स्पीक वाला मेथड काम कर रहा था लेकिन सेम मेथड को मैंने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे डॉग वाले क्लास की जगह अब मैं क्या करूँगा एक यहाँ पे डी की जगह एक सी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और उसको कर दूंगा एनिमल यहाँ पे कर दूंगा, और यहाँ पे नाम लिख दूंगा मैं टॉम। और अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, थोड़ा कोड यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं रिटर्न की जगह इस पूरे को ले लूंगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं इसको पूरे को ले लूंगा, और सेम चीज मैं यहाँ पे करता होता हूँ और सेम सेम टू सेम चीज मैं यहाँ पे भी कर दूंगा। तो अब क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा वो फोफ। और अब मैं यहाँ पे अगर सी डॉट स्पीक वाले फंक्शन का यूज करके इसको सेव कराता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉम प्लीज स्पेसिफाई एनिमल, और अगर मैं यहाँ पे नीचे प्रिंट कर रहा हूँ डी डॉट स्पीक, यहाँ पे वुफ वुफ हमारा प्रिंट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो मेथड है वो सिंपली ओवरराइड हो गया है, स्पीक है वो नेक्स्ट वाली क्लास में ओवरराइड हो गया, और इसी को हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। अगर अगर आपको नीचे डिराइव्ड क्लास है यानी जो आपने इनहेरिटेड क्लास है उसमें ऊपर वाली जो पेरेंट क्लास है उसके स्पीक वाले मेथड को अगर कॉल कराना है तो उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपली मैं इसको कमेंट आउट कर देता, फिर इसको बिना कमेंट करे भी अगर मैं यहाँ पे लिखता सुपर डॉट स्पीक लिख के यहाँ पे फंक्शन का यूज करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कराता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारा टफी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है टफी प्लीज स्पेसिफाई एनिमल। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा कंसोल डॉट लॉग में वो फुफ प्रिंट हुआ, फिर सुपर क्लास है यानी सुपर मेथड से जो हमारा पेरेंट क्लास है उसका जो स्पीक वाला मेथड है वो सिंपली यहाँ पे कॉल हो गया। तो इस तरह से आप पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर सकते हो और एक ही मेथड के काफी सारे इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो क्लासेस के अंदर। तो बस गैस आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो में पॉलीमॉर्फिज्म का मेथड ओवरराइडिंग को देखा, और इसी के साथ में हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पे खत्म होता है, और अगर कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बचेगा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और इस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में और भी काफी सारी चीजों के बारे में वीडियो आने वाली है जिसको आप जरूर चेकआउट कीजिए, जिससे आप जावास्क्रिप्ट में मास्टर हो सकते हो। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक अभी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पर आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जावास्क्रिप्ट के एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।